किसान नेताओं में एक बड़ा चेहरा चौधरी अजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। चौधरी अजीत सिंह का कोरोना के चलते गुरुवार सुबह निधन हो गया। जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में एक बहुत बड़ा शख्स हमारे बीच नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की, जो 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के आर्टिमस अस्पताल में कोरोना से जंग हार गए। अजीत सिंह के निधन की बात खुद उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन। अजीत सिंह कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे। किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह जाट समुदाय के बड़े नेता थे। बागपत से 7 बार सांसद चुने गए थे अजीत। कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अजीत। पश्चिमी यूपी में अजीत सिंह का काफी दबदबा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि चौधरी अजीत सिंह की गिनती बड़े जाट नेताओं में की जाती थी। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत साल 1986 में की थी। 1986 में अजीत सिंह राज्यसभा भेजे गए, जिसके बाद 1987 से 1988 तक वो लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 1989 में अपनी पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद चौधरी अजीत सिंह उसके महासचिव बने। अजीत सिंह 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा 4 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में भी मंत्री रहे। चौधरी अजीत सिंह का जाना राजनीति में एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। उनकी मौत के बाद राजनीति जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती समेत कई बड़े नेताओं ने चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इटावा में भी लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ये खबर हम आपको बताएं।